अब ये जो बड़े पार्टीज रहते हैं ये लोग अपना दबदबा बना के अपने रिकमेंड्स लगा के टिकट तो ले लेते हैं, लेने के बाद 5 साल तक पलटकर वापस नहीं आते। आपको मैं ऐसे वार्ड हाथों पे गिना सकता हूँ, मेरी उंगलियों पे गिना सकता हूँ, जहाँ पे इलेक्शन से पहले कई वादे किए जाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी आप देखते हैं उनकी नील रहती, जीरो जीरो जीरो, हर वो चीज आपके सामने है। मेरे को इस वार्ड में कॉरपोरेटर इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम जहीर अहमद जुबेर है, मेरे वालिदा इस बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, मेरा इंतखाबी निशान हीरा है, सीरियल नंबर 8, इंतखाबी निशान हीरा। आप हीरे को वोट दीजिए, मेरे को इख्तदार में लाइए, इंशाल्लाह मुझसे जो फैसिलिटी होना, मेरे से जो खिदमात होना, उन वो खिदमात लीजिए। कि लोग नेशनल पार्टी को छोड़ के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट देंगे? देखिए, ये कोई ML इलेक्शन, MP इलेक्शन या कोई दूसरा वैसे टाइप का इलेक्शन ही है, ये एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन है। यहाँ पे लोगों को चाहिए कि अपने बीच में जो रह सके, जो आपके बीच में रहकर काम करे, उसे आगे लाना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसको मालूम रहता है कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है, इस जगह किस चीज की जरूरत है और कई किस चीज की जरूरतें हैं, क्या क्या चीज यहाँ पे लानी चाहिए, किस चीज के बारे में अवेयरनेस करनी चाहिए, ऐसे कई चीजें हैं जो एक लोकल बॉडी यानी के जो ग्राउंड से जुड़े हुआ रहता उसी को मालूम रहता। अब ये जो बड़े पार्टीज रहते हैं ये लोग अपना दबदबा बना के अपने रिकमेंड्स लगा के टिकट तो ले लेते हैं, लेने के बाद 5 साल तक पलट कर वापस नहीं आते ना, बल्कि मैं इस वार्ड की बात कर रहा हूँ। आपको मैं ऐसे वार्ड हाथों पे गिना सकता हूँ, मेरी उंगलियों पे गिना सकता हूँ, जहाँ पे इलेक्शन से पहले कई वादे किए जाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी आप देखते हैं उनकी नील रहती, जीरो। हाँ, कई जगह पर काम भी होते हैं, वो चीज से इनकार नहीं है, हर किसी को एक पैमाने में ठहराना बिल्कुल गलत, लेकिन हम खुद भी ये चाह रहे थे कि किसी एक को मजबूत किया जाए, लेकिन जब हम हमारे सामने कंटेस्टेंट्स को देखे, हमको ऐसा कोई कंटेस्टेंट नहीं दिखा जिसको हम सपोर्ट कर सकें, जिसको हम आगे बढ़ा सकें। इसीलिए हमने कोशिश की और इरादा किया, हम वैसे तो ये मेरा अकेले का इरादा नहीं है, हमारे कई दोस्त हैं, कई अहबाब हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हर कोई है जिनके भीड़ में मीटिंग हुई और वहां पे एक मुत्तहिक फैसला हुआ कि किसी एक को आगे बढ़ाया जाए, भले ही पार्टी को दरकिनार करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। जब सब लोगों ने मिलकर मुझे आगे बढ़ाया, मैंने उनके फैसले को तस्लीम किया और आज आपके सामने हाजिर हूँ। जी, आपको लोग वोट क्यों दे सर, ऐसा क्या काम किया? देखिए, पहली चीज, गुज़िश्ता कॉर्पोरेटरों को आपने वोट देकर देखा है, वो लोग क्या करे क्या नहीं अल्लाह बेहतर जाने, मैं उनके बारे में कमेंट करके मेरा खराबा नहीं करना चाह रहा और ना तो मैं उनकी चीज के ऊपर, क्यों, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ कि किसी के काम के ऊपर नुक्ताचीनी करूँ, मैं किसी के काम पर नुक्ताचीनी करना नहीं चाहता, लेकिन आपके सामने है, हर वो चीज आपके सामने है। मेरे को इस वार्ड में कॉर्पोरेटर इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं चुप एक छोटा वीडियो बना के मीडिया में डाल के नहीं ये करता, नाली साफ करो वीडियो डालो, ये करो वीडियो डालो, नहीं करता मैं। आज तक जो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह फी सबीलिल्लाह बोल के छोड़ दिए, लेकिन आज उस पोस्ट के लिए लड़ना है, उसीलिए मैं मीडिया के सामने आया हूँ। अब तक क्या क्या काम करके हैं? देखिए, बोरिंग हुए, ड्रेन हुए, अब ऐसे गलियां हैं जहाँ पे चलना फिरना नहीं होता, वहाँ पे थोड़ी बहुत मरम्मत होती है। क्यों, मैं कोई कॉर्पोरेटर या गुत्तेदार नहीं हूँ कि मैं पूरी की पूरी रोड बना दूँ, वो गवर्नमेंट का काम है। जिस दिन मेरे को गवर्नमेंट इतने इख्तदार में लेंगी, इंशाल्लाह उस दिन वो भी करूंगा मैं। जी, पहला काम क्या करेंगे आप जीत के आने? जी, पहली चीज जो यहाँ पे होनी चाहिए है हॉस्पिटल, सेकंड चीज राशन इश्यू, थर्ड इश्यू स्कूलिंग्स। आप देखो, बच्चे गलियां में वही इसी फिरते रहते हैं, स्कूलों को नहीं जाते। एजुकेशन अवेयरनेस आना सबसे पहले। हेल्थ इश्यूज, गली में पानी ठहरे हुए रहता, मच्छर पड़े हुए रहते हैं, लोग उस पे से जाते हैं, काटते हैं, सबके सब उससे जो बीमार हो जाते हैं, टाइफाइड मलेरिया से कई फीवर्स आते हैं उनके।
हमको सबसे पहले फोकस करना है हेल्थ इश्यूज पे, एजुकेशन इश्यूज पे, राशन इश्यूज पे। राशन की दुकान ये तो पूरे एरिया में नहीं है, मेरा तो पूरा नीचे जाना हम, हमारे पास नहीं है। हमको चाहिए कि राशन इश्यूज, ये तो हो गए मेन इश्यूज। सबसे पहले इन सबसे भी मेजर क्या है, अवेयरनेस होना, कॉरपोरेशन स्कीम की अवेयरनेस होना, माइनॉरिटी स्कीम की अवेयरनेस होना। कॉरपोरेशन में कई किस्म के स्कीम्स रहते हैं, अंत्योदय स्कीम, लेबर कार्ड, फलां कार्ड, फलां कार्ड, फलां कार्ड, ऐसे कई रहते हैं, कई रहते हैं, लेकिन कोई अवेयरनेस नहीं करा। अपने आप को जो दावा कर रहे हैं, मैं ये आज कॉर्पोरेटर बनना है, बनना है, बनना है, बल्कि इतने साल से वो लोग ग्राउंड में है, कभी अवेयरनेस नहीं करे। इतने साल से कॉर्पोरेशन इलेक्शन होके 8-9 साल हो रहा है एरिया में, लेकिन कोई अवेयरनेस नहीं है। इंशाल्लाह सबसे पहला काम हमारा अवेयरनेस का होगा। माइनॉरिटीज को स्कीम्स दिखाई जाएंगे, लेबर कार्ड्स बनाए जाएंगे, पेंशन्स के कार्ड्स बनाए जाएंगे, विडो पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन, ऐसे किस्म के कई कार्ड्स, जिसका भी आधार अपडेट कराना हो, वोटर एरिया, मैं यहाँ पे देख लेते निकल रहा हूँ, कई लोगों के पास वोटर आईडी वो एरिया के हैं। एरिया को इतना डिस्टर्ब किया गया है, इधर के वोट उधर, उधर के वोट इधर, बहुत बहुत डिस्टर्ब किया गया है, बहुत डिस्टर्ब किया गया है। हमारा फोकस रहेगा ये सब चीजा यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म होना, हर वो चीज सही तरीके से पैनल्ड होना, वो पैनल के हिसाब से चलना चीजें, एक यूनिफॉर्मिटी आना सिस्टम में, इंशाल्लाह हम हमारी ये कोशिश रहेंगी। सेकंड चीज, ये जो आंगनवाड़ी से रहते हैं, बिल्कुल है भाई, वर्किंग भी करते रहते हैं, उनकी वर्किंग इम्प्रूव होना, बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव होना। चुप चल रही भाई, चला रहे नहीं, बच्चे जाना, बच्चे सीखना, खाली खाना खाना आना ऐसा नहीं रहता, उनको सिखाना वहां पे, बुनियादी चीजें सिखाना उनको वहां पे। कहीं ना कहीं आज ऐसा वक्त आ गया है कि लोगों के जहन में ये बैठ चुका है कि बीजेपी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को हटा के जो है सालों से हम लोग कांग्रेस को डाल रहे थे, अभी भी इस बार जो है कांग्रेस को डालेंगे, तो ऐसी आवाम के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके सामने झूठ बोलना नहीं चाहता, मैं खुद भी कांग्रेस से ताल्लुक रखता था और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी रखूंगा, आने वाले वक्त में भी रखूंगा। लेकिन जो ये प्रेशर बोलना नहीं चाह रहा, रहने दीजिए, क्या है फिलहाल किसी को टिकट मिली है जी। हमारी उससे हम उसको परफेक्ट नहीं मानते, वो बंदा कॉरपोरेशन के लिए परफेक्ट नहीं है, पर्टिकुलरली चार गलियों के लिए जो काम करता है हम उसको लीडर बनाना नहीं चाह रहे, कॉरपोरेशन में उनको भेजना नहीं चाह रहे। आपको लीडर बनना है, पूरे एरिया का काम करिए। मैं अभी पीछे हट जाता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ मैं, अगर उन्होंने वो चीज की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो मैं पीछे हट जाता हूँ, लेकिन नहीं लेते, झूठे बकवास बातें करते, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन खोखला, सब खोखले। मतलब आप अगर जीत जाओगे तो आप वापस कांग्रेस के रूप में ज्वाइन हो जाओगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं अभी इस बारे में कोई डिसीजन नहीं देना चाह रहा, क्योंकि मैं सिंगल नहीं हूँ। ओके, मेरे पीछे बैठे हुए लोग, एक पैनल है, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके बोलने पे मैं यहाँ पे आके आपके सामने ठहरा हुआ हूँ। डिसीजन अगर अकेले का होता तो मैं अभी बोल देता था कि भाई मैं ज्वाइन होता हूँ, लेकिन उतना आसान नहीं है कौन सी भी चीज। अब कैसा है सिचुएशन आप लोग देख रहे हैं, मेरे सामने से आने से लोगों में एतराज भी होता, लोगों में इत्तेफाक भी होता, दोनों तरफ के होता। अब जिनको एतराज हो रहा वो लोग मेरे को कोशिश करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल यही बोलना चाह रहा हूँ, मैं फिलहाल ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकता। मैं पूछ पछार के अपने पैनल से, अपने जो भी दोस्त अहबाब हैं जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबसे मुत्तहिक फैसला लेके बताऊंगा इंशाल्लाह।